आज T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड का महामुकाबला एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे से होगा मैच। मैच से पहले एडिलेड में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस में जमकर बहाया पसीना, कोहली ने नेट्स में की बल्लेबाजी। न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, 5 गेंद बाकी रहते हासिल किया 153 रन का लक्ष्य। टॉस जीतने के बाद पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 4 विकेट पर बनाए थे 152 रन, लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने गंवाए सिर्फ 3 विकेट। पाकिस्तान की जीत के हीरो बने मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम, दोनों ने जड़ा अर्धशतक, रिजवान बने मैन ऑफ द मैच। गुजरात चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सुबह 10 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव। आज बीजेपी कर सकती है 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, पहले फेज के सभी प्रत्याशियों का नाम फाइनल। बुधवार देर रात चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 182 सीटों के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गुजरात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का ऐलान, कहा हम नहीं लड़ना चाहते चुनाव। हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन, 12 नवंबर को 68 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। हिमाचल चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त, राज्य में 6700 अर्धसैनिक बलों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने की 2 चुनावी सभाएं, पहले कांगड़ा में लोगों को किया संबोधित। कांगड़ा में एम्बुलेंस के लिए रुका पीएम मोदी का काफिला, एम्बुलेंस को पहले जाने का दिया रास्ता। हमीरपुर के सुजानपुर में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी रैली, कहा बीजेपी पर जनता का विश्वास, फिर बनेगी हिमाचल में सरकार। हमीरपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी सुजानपुर रैली में मौजूद, लोगों को किया संबोधित। प्रियंका गांधी आज करेंगी हिमाचल का दौरा, सिरमौर में विशाल परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। शिमला के बनूटी में कांग्रेस का प्रचार, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को किया संबोधित। विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ पर सियासी जंग, गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, साधा बीजेपी पर निशाना। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जेपी नड्डा के घर चली 1 घंटे की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल। 12 या 13 नवंबर तक एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी, 5 दिसंबर को है वोटिंग। G20 लोगों में कमल के फूल पर सियासी घमासान तेज, कांग्रेस ने ठहराया बीजेपी का निशान। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, बोले शहजाद पूर्णवाला, पीएम मोदी के विरोध में राष्ट्रीय प्रतीकों का ना करें अपमान। तेलंगाना के बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, राज्य को किए गए वादे को पूरा करने की मांग। मुंबई पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत, आर्थर रोड जेल से निकले बाहर। संजय राउत को बेल मिलने की शिवसेना ने मनाई खुशी, मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचे राउत की मां ने उतारी आरती, परिवार के सभी लोग थे मौजूद। सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंचे संजय राउत, गणपति का लिया आशीर्वाद। दिल्ली एमसीडी चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उतारे 4 कैंडिडेट, 40 सीटों पर लड़ेगी AIMIM, दलित पार्टी में हो सकता है गठबंधन। भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस EY चंद्रचूड़, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर की पूजा अर्चना, लोगों को किया संबोधित। सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, डॉक्टरों से कहा अगर जांच में दोबारा मिली शिकायत तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर FIR, रात में गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस। शांतिपुर के मशहूर रास मेला में सीएम ममता बनर्जी की शिरकत, 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार रास मेले का किया दौरा। नादिया की जनसभा में ममता ने बीजेपी को राक्षसी सरकार कहा, बोली बंगाल में मैं चला रही हूं कल्याणकारी सरकार। मंडी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा, बोले इनका काम वोट काटने का है। अरविंद केजरीवाल एमसीडी के लिए आज लॉन्च करेंगे केजरीवाल की 10 गारंटी, सुबह दिल्ली में कार्यक्रम।
मान सरकार पर अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल का हमला, कहा पंजाब में चल रहा है गैंगस्टरों का राज, दिल्ली की तरह पंजाब के मंत्री भी जेलों में दिखेंगे। बीजेपी से निलंबित एमएलए टी राजा सिंह को हाईकोर्ट से राहत, रैलियां ना करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश। किशनगंज में जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के विवादित बोल, कहा बीजेपी 2024 चुनाव पुलवामा में हमला कराकर जीती, इस बार पीओके पर नकली हमला कराकर लड़ेंगे चुनाव। रायसेन में सांसद रमाकांत भार्गव ने डुंगरिया में मक्खन चोर गौशाला का किया लोकार्पण, लेकिन सड़कों पर फिर भी दिखा गायों का डेरा। यूनिसेफ की ओर से लखनऊ के दौरे पर हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, वीरांगना अवंती बाई महिला अस्पताल का किया दौरा। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कोलकाता में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का लिया जायजा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर हमला, प्रदेश की बकाया राशि मांगने पर ईडी और सीबीआई का दिखाया जाता डर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह पहुंचे देवास, महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में लिया भाग। ताजमहल के आसपास व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ जश्न। मुंबई में फैला खसरा, केंद्र सरकार ने कारणों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय टीम का किया गठन। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने की तैयारी, दिसंबर तक हर घर नल योजना से पहुंचेगा शुद्ध पानी। मुरादाबाद में बढ़ती जा रही है डेंगू मरीजों की संख्या, अब तक 247 मरीज निकले पॉजिटिव। आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिले का मामला, 3 छात्रों को किया गया निलंबित। जम्मू में टेरर मॉड्यूल का खुलासा, 3 आतंकी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। बारामती में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जेजुरी मंदिर में टेका मत्था, 42 किलो की तलवार भी उठाई। कौशाम्बी हत्याकांड में 9 साल बाद फैसला, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 2 को आजीवन कारावास की सजा। बिहार के सोनपुर में चला बड़ा नाव हादसा, लहरों के बीच बालू के टीले पर फंसे 250 लोगों का रेस्क्यू। रतलाम में किसानों की बड़ी परेशानी, 12 घंटे लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा है यूरिया। रांची में टेनिस खेलते दिखाई दिए धोनी, टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन। वाराणसी में बढ़ते डेंगू के मामलों पर शुरू हुई सियासत, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी लापरवाही का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करौली में प्रधानाचार्य की कार्यशैली से नाराज छात्रों का प्रदर्शन, बच्चों से मारपीट का था मामला। धौलपुर में कुएं में गिरे 2 सांड, निकालते वक्त गांव वालों पर ही किया हमला। गाजियाबाद पुलिस को मिली कामयाबी, एनकाउंटर के बाद अपहरण किए गए बच्चे को बदमाशों से छुड़ाया। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट, शुरू हो गई झमाझम बर्फबारी, 19 नवम्बर को बंद होंगे कपाट। हरियाणा के अंबाला में छाया घना कोहरा, 319 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, आंखों में जलन की वजह से लोगों को चश्मे का लेना पड़ रहा है सहारा। प्रयागराज में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन ने मामले को गंभीरता से लेकर लिया एक्शन। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में दिखी नारी सशक्तिकरण की तस्वीर, शहर की सीमा देवी बनी पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर। बीएचयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी के गेट को किया जाम। लखीमपुर खीरी में बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर, ट्रेनी सीओ और ड्राइवर हुए घायल। धौलपुर गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्रवाई, 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल में बिजली विभाग के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, 5 साल पहले हत्याकांड में जेल जा चुका था मृतक।